नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है पेज नंबर 40 पे, स्टेज डेटा बेस डिज़ाइन अप्रोच, यानी हम किस तरह से जनरल रिक्वायरमेंट्स को लेके एक प्रॉपर वे आउट में फिज़िकल मॉडल को फॉलो करते हुए किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम एक डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस को, तो उस चीज़ को हम जो है वो उसको देखते हैं। स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये मूव करती है, स्टार्ट होती है किसी भी सिस्टम की जनरल रिक्वायरमेंट्स को लेके, उसको एनालाइज़ किया जाता है कि सिस्टम की जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद जो है वो उसी एनालिसिस को जो है वो मोर डिटेल से लिए किया जाता है कि तमाम किस्म की रिक्वायरमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है उसको जो है वो स्टडी करके उसकी बेस पे जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो स्टार्ट की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट्स। फर्स्ट स्टेप इन डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस इज़ टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द करंट यूज़र इन्वायरमेंट, यानी जो सिस्टम रन हो रहा है उसके अंदर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो किस वे आउट में जो है वो वर्क कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहद ज़रूरी है। डिज़ाइनर जो है वो क्लोजली स्टडी करता है उस सिस्टम को, उसकी आउटपुट्स को देखता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस करंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए वो यूज़र्स के इंटरव्यू लेता है, उसकी करंट इसके रिक्वायरमेंट्स को भी देखता है, और जो यूज़र्स फ्यूचर में चाह रहे हैं उन सब रिक्वायरमेंट्स पे भी जो है वो नज़रसानी की जाती है। सेकेंड वन इज़ डिवेलप लॉजिकल डेटा मॉडल। फर्स्ट एनालाइज हो गया, एनालिसिस हो गया, रिक्वायरमेंट्स रेडी हो गई, अब इसके बाद जो है वो लॉजिकल डेटा मॉडल जो है वो उस पर उसको देखा जाता है। लॉजिकल डेटा मॉडल्स में हमारे पास एंटिटीज़ देखी जाती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं, उनका किसके साथ रिलेशनशिप होगा इसको देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइनर इस लॉजिकल डेटा मॉडल की प्रेपरेशन में ये सारा कुछ जो है वो उसको देखता है, क्या एप्लीकेशंस होंगी, कैसे ट्रांजैक्शंस होंगी, डेटाबेस में क्या मेथड होगा एक्सेस करने का, कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होगी, कितना डेटा जो है वो इसके अंदर हम उसको इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी डेटाबेस एक्सेस की, बजट क्या है, परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स की, ये सारा कुछ जो है वो लॉजिकल डेटा मॉडल्स में जो है लॉजिकल डेटा मॉडल में देखा जाता है। नेक्स्ट लॉजिकल डेटाबेस के डेटा मॉडल की बेस पे DBMS जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। अब इस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए जो हमने डेटा मॉडल्स के लॉजिकल डेटा मॉडल जो स्ट्रक्चर हमने रेडी किया है उसकी बेस पे जो DBMS इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को और इसके कंस्ट्रेंट्स को, इसके चेक्स को जो है वो फॉलो करेगा, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो चूज़ किया जाता है। मैप लॉजिकल मॉडल टू DBMS, अब जो स्ट्रक्चर हमने रेडी किया है और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने सिलेक्ट किया है, अब इन दोनों की जो है वो मैपिंग की जाती है, इन दोनों को जो है वो देखा जाता है कि जो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिलेक्ट किया है क्या ये प्रॉपर इस लॉजिकल डेटा मॉडल को फॉलो करेगा, इसकी जो है वो मैपिंग परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट जो है वो हम डिवेलप फिज़िकल मॉडल, जब हमारे पास मैपिंग हो जाती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिलेक्ट हो चुका है, एग्जैक्ट लेआउट जो है जो हमें फैसिलिटीज़ जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको देखा जाता है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको जो है वो फॉलो किया जाता है। इवेलुएट फिज़िकल मॉडल, डिज़ाइनर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस और उसकी एप्लीकेशंस, उसकी ट्रांजैक्शंस इसको जो है वो चेक करता है, उसको उसके एक पोर्शन को जो है वो वैलिडेट करता है, उसकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्टिवली चेक करता है कि प्रॉपर जो है इवेलुएशन का मतलब होता है उसकी चेकिंग करना, उसकी परफॉर्मेंस को देखना कि जो चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो डेटा मॉडल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर हमारी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफ़िल
करेगा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाती है। परफॉर्म ट्यूनिंग, ट्यूनिंग का मतलब होता है इम्प्रूव करना, इन परफॉर्मेंस में किसी परफॉर्मेंस में जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो ट्यूनिंग कहलाती है। यानी अगर हम किसी स्टेज पे ये समझ रहे हैं कि हमारा जो है वो डेटाबेस इम्प्रूवमेंट चाहे, तो हम उसकी ट्यूनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। इम्प्लीमेंट फिज़िकल मॉडल, लास्ट में जब हमने ट्यूनिंग सब इवेलुएट कर लिया, हमने उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लिया, उसके बाद हमने उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर लिया, तो देन डिज़ाइनर इम्प्लीमेंट कर देता है उस फिज़िकल मॉडल को अगर उसकी इवेलुएशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह से हमारा एक डेटाबेस जो है वो फंक्शनल हो जाता है। डायग्राम इसके नीचे जो है वो बनी हुई आप देख लें, एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट्स हैं, डिवेलप लॉजिकल मॉडल है, फिर हमने चूज़ किया डेटाबेस को, उसके बाद हमने मैपिंग की, यानी जो स्ट्रक्चर हमने रेडी किया था उसको हमने DBMS के साथ मैप कर लिया, उसके बाद हमने फिज़िकल डिज़ाइन रेडी कर लिया, मीन्स हमने उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लिया, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद हमने उसकी इवैल्यूएशन देखी, उसकी परफॉर्मेंस देखी कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है लॉजिकल डेटा मॉडल के साथ कि वो फिज़िकल डेटा मॉडल वो उसको उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, अगर हमने कोई परफॉर्मेंस में कोई कमी है तो हमने उसको ट्यूनिंग कर ली, उसकी इम्प्रूवमेंट कर ली, और उसके बाद हमने उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो देन नाउ आवर डेटाबेस बिकम्स फंक्शनल for the system. Thank you.